हेलो गाइस, मैं हूं तपन। आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपेरिमेंट एकर आइडियाज़ में। गाइस, इस वीडियो पर मैंने एक पुराने एडेप्टर से ब्लूटूथ स्पीकर बनाया है, वो भी ख़राब हो चुका था ये एडेप्टर। इसका जो केस है उससे हमने ब्लूटूथ स्पीकर बनाया है और इसका जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। और इसको हमने किस तरह से बनाया है पूरी डिटेल में है इस वीडियो पर, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, स्पीकर बनाने के लिए मैं एक पुराने एडेप्टर लिया हूँ, ये ख़राब हो चुका है और आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जल गया है। तो आप पुराने एडेप्टर ही लीजिए, जो सही एडेप्टर है उसको ख़राब मत कीजिए। तो इसका हम केस ही लेंगे। केस ठीक है, चारों तरफ से आप देख सकते हो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। तो स्पीकर बनाने के लिए यहाँ पर मैं 3 वाट के 4 ओम 2 स्पीकर लिया हूँ। तो उसको मेजरमेंट करके हमें उसमें मार्किंग कर लेना है स्पीकर के हिसाब से। तो फटाफट से उसे मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करके ले लिया हूँ, अभी इसको कटिंग करेंगे। तो फटाफट से उसे कटिंग कर लेते हैं। गाइज, हमने कटिंग कर लिया है और अच्छे से उसे फिनिशिंग भी कर लिया है। अभी स्पीकर को बिठा के आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से फिट आ रहा है, आप देख सकते हो। अभी स्पीकर को हॉट ग्लू लगा के चिपका लेंगे। गाइज, अब स्पीकर में वायर का कनेक्शन कर लेंगे। प्लस माइनस लिखा हुआ रहता है, उसी हिसाब से आपको करना है। तो रेड वाला हमने प्लस में किया है और येलो वाला माइनस में किया है दोनों स्पीकर में। तो गाइज, आप देख सकते हो वायर का कनेक्शन हो चुका है। अभी क्या करेंगे, हमने एक 3 वाट का एम्पलीफायर मॉड्यूल और ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्शन करके ले लिया है। उसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, लिखा हुआ रहता है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट राइट ग्राउंड लिखा हुआ है, मिडिल वाला ग्राउंड है, बाकी दोनों लेफ्ट राइट है। बीटी मॉड्यूल में भी सेम इसी तरह से लिखा हुआ रहता है। तो उसी हिसाब से आपको कनेक्शन कर लेना है, लेफ्ट लेफ्ट ग्राउंड ग्राउंड को कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट का इनपुट हमने किया है, आप देख सकते हो 5 वोल्ट लिखा हुआ है प्लस माइनस। तो रेड वाला प्लस में, ब्लैक वाला माइनस में, आपको सेम दोनों में कनेक्शन कर लेना है। तभी स्पीकर का कनेक्शन करना है। यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों स्पीकर कनेक्ट करने का दिया हुआ है। तो लेफ्ट साइड में हमने एक स्पीकर कनेक्ट किया और राइट साइड में एक स्पीकर कनेक्ट किया। प्लस माइनस देख के कनेक्शन करना है। तो स्पीकर का कनेक्शन हो चुका है, अभी क्या करेंगे, हमने एक चार्जिंग मॉड्यूल लिया है, इसको बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने लिया है। तो यहाँ पर हमने एक लिथियम पॉलीमर बैटरी लिया है, आप 3.7 वोल्ट की 1350 mAh का बैटरी है ये। तो बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। चार्जिंग मॉड्यूल में लिखा हुआ रहता है B+ और B-, B+ में रेड वाला और B- में येलो वाला वायर कनेक्शन किया है। और आउटपुट में दोनों वायर हमने कनेक्शन कर दिया है, आप देख सकते हो। तो हमेशा रेड वाला वायर पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। अब जो हमने आउटपुट में वायर कनेक्ट किया था उसका जो नेगेटिव वायर हमें बीटी मॉड्यूल का नेगेटिव में कर देना है, तो दोनों को नेगेटिव कनेक्शन मिल जाएगा, एम्पलीफायर और बीटी को। और एक हमने रेड वायर लिया है तो उसको हम पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। चार्जिंग मॉड्यूल से जो पॉजिटिव वाला वायर हमने कनेक्ट डायरेक्ट नहीं किया है, क्योंकि उसमें हमें एक स्विच लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमें एक स्विच कनेक्शन करना है। अभी बीटी मॉड्यूल और एम्पलीफायर मॉड्यूल को चिपका लेते हैं हॉट ग्लू से। स्पीकर को चार्ज करने के लिए यहाँ पे मैं एक टाइप सी पोर्ट लिया हूँ और उसे कहाँ पर कनेक्शन करना है दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ रहता है चार्जिंग मॉड्यूल में, वहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। प्लस वाला में हमने रेड वाला वायर कनेक्ट किया और माइनस वाला में हमने येलो वाला वायर कनेक्ट करना है। टाइप सी पोर्ट का हमने कनेक्शन कर लिया है गाइज, आप देख सकते हो। अभी चार्जिंग मॉड्यूल को भी हॉट ग्लू लगा के चिपका लेंगे। गाइज, अब स्विच का कनेक्शन करेंगे। हमें एक माइक्रो स्विच लिया है, आप देख सकते हो, इसे SPST स्विच भी कहते हैं। तो दोनों पिन में दोनों वायर का कनेक्शन कर लेना है, उल्टा सीधा नहीं है, कौन सा पिन में कौन सा भी वायर कर सकते हो। गाइज, अब बैटरी को भी हॉट ग्लू लगा के चिपका लेना है। स्विच के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कटिंग है और थोड़ा सा हमें स्विच के हिसाब से करना पड़ेगा, तो फटाफट से उसे भी कर लेते हैं। गाइज, स्विच के लिए कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हो। टाइप सी के लिए कटिंग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी कटिंग में सही तरीके से फिट आ जा रहा है। तो फटाफट से स्विच और टाइप सी को फिट करके उसका ढक्कन को बंद कर लेते हैं।
गाइज स्पीकर बनकर रेडी है। इसका लुक आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और इसको अभी चार्जिंग में लगाएंगे। जैसे ही हम चार्जिंग पिन यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे एक रेड LED जलेगा, आप देख सकते हो, मतलब ये चार्ज हो रहा है। तो गाइज चार्ज को बाद में करेंगे, अभी इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। चार्जिंग करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो अभी बैटरी में चार्ज है तो पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें ऑन करना है, तो जैसे ही हम ऑन करेंगे स्पीकर ऑन हो गया, आप देख सकते हो। तो गाइज अभी क्या करेंगे, फटाफट से इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं। गाइज ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है, अभी क्या करेंगे इसमें सॉन्ग प्ले करेंगे। तो हम इसमें NCS म्यूजिक प्ले करेंगे, नहीं तो दूसरा सॉन्ग प्ले करेंगे तो इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। तो फटाफट से उसे प्ले करते हैं। गाइज इसका जो बेस है काफ़ी लाउड है, आप देख सकते हो। इसका जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी क्लियर है। तो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो नए गैजेट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।